इंडिया अलर्ट, जुर्म के खिलाफ आवाज। उन दोनों का काम, हम उन दोनों को छोड़ेंगे नहीं। पेगी, छोटी, बाहर निकल। हमारी साड़ी में आग लगा दी। उसी के पास पहुंच गया। ये क्या है? ये सब क्या कर दी तुम? हाँ, हमारा सारा साड़ी जला दी। और ये गहना, ये हमारा गहना हमें दो। तुम ना सौतेली हो, और तुम्हारी जो जगह है ना, तुम वहीं पहुंच गई हो, इस घर के बाहर। हे भगवान, ये तो सुबह का सपना है। अब क्या होगा? कहीं सच ना हो जाए। भाइयों के मन में हमारे खिलाफ जो परपंच चल रहा है, इसको पूरा नहीं होने देंगे, कभी नहीं। तुम दोनों के दिमाग में हमारे खिलाफ जो परपंच चल रहा है ना, उसमें तुम दोनों को हम कामयाब होने नहीं देंगे। पर हमने क्या किया माँ? कुछ किया नहीं है और ना कभी कर पाओगी। हो गया तुम दोनों महारानियों का नींद पूरा? हुआ ना। अब उठ के नाश्ते की तैयारी कौन करेगा? रोज बताना पड़ेगा। अम्मा को क्या हुआ? कुछ नहीं, चलो। चाय? हाँ चाय। तुम चाय बनाओ, हम फ्रेश होकर आते। ठीक है अच्छे, मैं तुम्हारे लिए नाश्ता भी बना लेती। ठीक है अच्छे। अच्छा सुनो। हाँ। आज का खाना भी मेरे साथ खाना। सब फरमाइश अभी करना जरूरी है क्या? फ्रेश होने जा रहे हैं, अर्जेंसी समझती हो कि नहीं? तुमको हमने पहले भी समझाया है कि यहाँ से निकलकर पहले हमें काम पर जाना होता है, फिर घर।
हर रोज वही नाटक। हम तुम्हारे साथ टाइम बिताना चाहते हैं, तुम्हारा संपूर्ण जीवन बनना चाहते हैं। ये रोज रोज का नाइट ड्यूटी हमें पसंद नहीं है। और हम क्या गलत चाहते हैं? अच्छा अब नाराज मत हो, तुम हमारे जीवन नहीं हमारी जान हो। तुम्हें हम समझाए थे कि तुम घर काम हमें सब में सामंजस्य बिठा कर चलना पड़ा। घर भी जाना जरूरी है, काम पर जाना भी जरूरी है। काम पर नहीं जाएंगे तो घर कैसे चलेगा, है ना? अच्छा अब हमारे लिए एक गर्मा गर्म चाय बना। अरे थोड़ा मुस्कुरा दीजिए। रोज रोज वही ड्रामा। अभी तो घर पे जाके पता नहीं कौन सा नया ड्रामा देखने को मिलेगा। रोटी होमवर्क हो जाएगा तो नीचे आ जाना। ठीक है। अम्मा हम ध्यान नहीं दिए। तुम रहता ड्यूर कौन रहता है टीवी और सिनेमा में? अभी निकाल से तुम्हारा सारा ध्यान। चिड़िया ने गंदी की थी साड़ी, तो इसमें दीदी की क्या गलती? हमसे जवान चला रही है दो फुट वाली। अभी बताती हूँ तुझे, और ना इनकी जवाब चलेगी। दोबारा नहीं बोलेगी। दोबारा ऐसी जबान चलाई ना हमसे तो दोनों का टैटू काट देंगे। सच्ची कह रहे हैं, सही कर दो हमारी साड़ी। हमारी वजह से आपका काम और बढ़ गया। तो तुम्हारी वजह से? मतलब चिड़िया ने गंदी नहीं की थी साड़ी, हमने जानबूझकर उसके ऊपर टूथपेस्ट गिरा दिए थे। छोटी तुम क्यों करती हो ये सब? क्या मिलता है ये सब करके? ये सब करने से हमारी जिंदगी नहीं बदलने वाली। नहीं दीदी, हम ऐसे जिंदगी नहीं जी सकते। देखना हमारा टाइम आएगा। इनके आने से पहले खाना खत्म कर ले। आगे क्या? ए ए छोड़ी रुक रुक। आ गए आप? हाँ आ गए। कहो तो थोड़ी देर बाद आ जाते, तब तक तुम ये चावल का पहाड़ निकल लो। ऐसे काहे कह रहे हैं? ये खाना तो हम आपके लिए लगा रहे थे। एक लपड़ लगाएंगे, ये खाना तो आपके लिए लगाए थे। अच्छा अच्छा, आप अपना मूड का ही खराब कर रहे हैं। छोड़िए ना, हाथ में धो लीजिए और खाना खा लीजिए। नहीं, हमारी परवाह मत करो, तुम ये ठूस हो। अरे सुनिए तो अम्मा, खाने का क्या करें, बाद में खाओगी। चुप कर, खाने का क्या करें, अंदर रख खाना। वास करें या खड़े होके? कितना काम करते हैं जी, हाँ? एक साल से 18-18 घंटे का नाइट ड्यूटी, कौन उतना काम करता है क्या? काम नहीं करेंगे तो तुम्हारा दवाई कपड़ा लत्ता का खर्चा कहाँ से निकलेगा? इतना ख्याल रखते हैं जी आप हम लोगों का, इसीलिए तो हम लोगों का प्यार आज तक बना हुआ है। अच्छा हम क्या कह रहे थे, मुझे मुरारी नहीं है, अरे वही साड़ी वाला, वहाँ हमको एक 2000 का साड़ी पसंद आया जी। वो क्या है ना, 1000 तो मेरे पास है, 1000 आप दे दीजिएगा। हाँ
तुम्हारे बाप ने तुम्हें हमारा खून चूसने के लिए भेजा है क्या? एक बेटा चाहिए था, वो तो तुम दे नहीं सके। हर हफ्ते नया साड़ी चाहिए तुमको। एक साड़ी के लिए बोले थे और आप हमें इतना बात सुना दिए। अरे आपकी दूसरी बीवी बन के आए हम यहाँ, आपकी दोनों बेटियों को पाल पोस के बड़ा कर रहे हैं और आप हमें ये सिला दे रहे हैं। क्या हमें दुख नहीं है बच्चे का? तुम ना हमारा दिमाग मत खराब करो वरना जहर देकर जान ले लेंगे तुम्हारी। ठीक है, आप क्या जान लेंगे, हमको भी जहर खा लेते वही सही रहेगा। चले जाते, मर जाएगी तो अच्छा रहेगा। तो चाहिए अम्मा? हाँ चाहिए। जहर दे सकती है तो मुझे देखे जहर। घर में जहर तो नहीं है पर वो देखो फिनाइल के बॉटल जहर जैसा इस्तेमाल होता है। सही है। आज हम ये पी के मर ही जाएंगे। क्या नौटंकी चल रही है? फिनाइल पिला रही थी? हाँ फिनाइल पिलाएगी हमको। हाँ पकड़ से। छोड़ दो अम्मा की बच्ची। आते हैं अभी। अरे तो इतनी परेशान क्यों लग रहे हो? नहीं कुछ नहीं। रुको हम अभी तुम्हारा मूड अच्छा करते हैं। देखो संदेश स्पेशली तुम्हारे लिए बनाया है, खा के देखो। इतने खाते जा रही बकरे को हलाल करने कह रहा था क्या? हम तुम्हारे लिए अपने हाथों से संदेश बनाया, तुम्हें अपने हाथों से खिलाया, लेकिन तुम्हें जहर ही उबलना है। अरे माफ कर, वो क्या है ना कि सारा दिन तो जहर का घूंटी पीते रहते। वैसे ये मिठाई किस खुशी में? सच? अरे आखिर तुम क्यों अम्मा को परेशान करती हो? हमने क्या किया दीदी? देखो तुमने जो भी किया है ना तुम दोबारा से मत करना। अगर अम्मा का दिमाग खराब हो गया तुमको हमारे घर से निकाल देगी। फिर तुमने सोचा है हम कहाँ जाएंगे? पापा कुछ नहीं बोलेंगे जब वो हमें हमारे घर से बाहर निकालेगी तब। वो हमारे साथ इतना कुछ करती है, आज तक पापा ने कुछ कहा है? और वैसे भी पापा के लिए तो हम बोझी है। देखना दीदी जैसे उन्हें हमारे साथ किया ना वैसे ही उनके साथ होएगा। नहीं छोटी ऐसे नहीं बोलते, भगवान है ना तो सब ठीक कर दे। कहते हैं रिश्तों की देखरेख में ही एक परिवार पलता बढ़ता है और पारिवारिक रिश्तों में प्यार और सामंजस्य से ही इंसान के चरित्र का निर्माण भी होता है। दुबे परिवार में रिश्ते तो थे लेकिन वो सिर्फ कड़वाहट की नींव पर बने थे। नमस्कार मैं गिरीश जैन, स्वागत है आप सबका क्राइम अलर्ट के आज के इस नए एपिसोड में। बुलबुल अपनी सौतेली बेटियों के साथ सिर्फ सौतेलापन ही जताती आ रही थी जबकि इस बात की पूरी गुंजाइश थी कि वो पिंकी और छोटी के जरिए अपनी जिंदगी में एक औलाद की कमी को पूरी कर सके। लेकिन उसने सौतेले रिश्ते में रिश्ते के ऊपर सौतेलेपन को चुना। अपनी बेटियों से असुरक्षित महसूस करती बुलबुल ये कभी भाप ही नहीं पाई कि उसका पति उससे दूर होता जा रहा है। बेटे की चाह ने सुबोध को जूली की तरफ आकर्षित किया और वो उसके इतने नजदीक हो गया
कि अपने परिवार से दूर होता गया और उसकी यही बेटे की चाह उसे कभी अपनी बेटियों से जोड़ नहीं पाई और दोनों बेटियां अपने माँ बाप के प्यार के लिए तरसती रही। अब ऐसे में देखना यह है कि सुबोध की ये बेटा पाने की चाह इनकी जिंदगी में और क्या क्या तूफान लाने वाली। यहाँ का है खड़ी, चलो अंदर। सुनिए जी, कौन है ये? अरे हम परिचय करवाना तो भूल ही गए। ये है जूली बैनर्जी दुबे, हमारी होने वाली तीसरी पत्नी। शादी करने आए थे ना, अभी बता दियो हमारे पति से शादी करके तो तुम्हें चेचा खाते अभी राख ना करते तुझे तो हमारा नाम बदला। छोड़ो जी, छोड़िए हमें, छोड़िए, छोड़ो इसे। हम तुम्हारी जान ले लेंगे अगर इसे खरोंच भी आई तो। ये हमारे होने वाले बच्चे की माँ है। ये यही रहेगी और हम इससे शादी भी करेंगे। जलाकर राख कर देंगे आप। सुबोध, जो अपने सर पे पाप पीना चाहते हैं, हम दीदी से बात करते हैं। दीदी, हम यहाँ पर तुम्हारा बाड़ी मतलब तुम्हारा घर तोड़ने के लिए थोड़ी ना आया है। हम तो बस यहाँ अपने प्रेम की निशानी को उसके बाप का नाम दिलाने आए। और तुम भी तो उस बच्चे की बड़ी माँ होगी, है ना? तुम बड़ी माँ और हम छोटे माँ, और ये दोनों उसकी बड़ी बहन है ना? और सब ना बहुत प्यार से रहेंगे फैमिली की तरह। अगर तुम्हारी नौटंकी खत्म हो गई हो तो कमरे में जाकर जूली के रहने का इंतजाम करो। चलो जूली। जो तुम्हारे चेहरे पे दो आंखें दी हैं, वो खाली मटकाने के लिए दी हैं, हाँ? दिखाई नहीं देता तुमको? तुम्हारा बिस्तर उधर लगाए हुए हैं। क्षमा दीदी, अगर आप चाहती हैं कि हम वहां पर सो जाए तो हम वहीं सो जाएगा। पागल हो गई हो तुम, काहे सोओगी नीचे? हम यहीं तो हैं नीचे, एक ही कमरा में तो है। देखो अपने बच्चे के बारे में सुन, तुम्हें आराम की जरूरत है। तुम अगर नीचे सो जाओगी तो
तो कोई पहाड़ नहीं टूट पड़ेगा। बहुत मजा आया था लेकिन मुझे नुकसान। अरे मेरी बात कम से कम 4-5 बच्चे थे। परिचय करवाना तो भूल ही गए। ये है जूली बनर्जी दुबे। देखो अपने बच्चे के बारे में सुन, तुम्हें आराम की जरूरत है और तुम अगर नीचे सो जाओगी तो कोई पहाड़ नहीं टूट पड़ेगा। क्या सर दर्द। पिंकी। हाँ माँ। चाय आज मिलेगी कि हवन कराना पड़ेगा चाय के लिए? वैसे भी इस घर में तो हवन कराना ही पड़ेगा। ये लो अम्मा, सर दबा दे क्या? पहले दबा दो क्या हमारा बेटा? अरे सुबह सुबह ऐसी बातें नहीं करते दीदी। ए दीदी, रात को तुम रूम से कब बाहर आ गया? हमको पता ही नहीं चला। बुरा लगा श्यामा? ए दीदी, वो सुबोध ना नहाने के लिए गया है तो तुम हमारे लिए नाश्ता बना दो। वैसे भी सुबोध रात में बोल रहा था तुम बहुत अच्छा खाना बनाता है। मिट्टी छुरी मत बन हमसे समझी ना। हाँ? जानती नहीं हमको? हमारा नाम बुलबुल झाड़ दुबे है और तुम्हारी जो चालाकी है ना, हम बहुत अच्छे से समझते हैं। शिकायत करोगी? हाँ शिकायत करोगी हमारी? जाओ कर दो शिकायत। नहीं डरते हम किसी से। बुलबुल झा दुबे, हम तुमको बहुत अच्छी तरह से समझ गया है लेकिन तुम हमको बिल्कुल नहीं समझा। नीचे छुरी नहीं है, विष है। विष जो तुम्हारे जीवन में ना अच्छी तरह से घोल दिया है और अब तुम ना कितना भी कोशिश कर लो निकलने वाला नहीं। चुपचाप हम जैसा कहते हैं करते जाओ। जाओ नाश्ता बनाओ। वैसे आज हम आलू का पराठा खाएंगे। हम बना देते हैं नाश्ता जल्दी से। ए बाबा, तुम तो अभी बच्चा है, तुम्हारा अम्मा है ना वो बनाएगा नाश्ता। ठीक है जी। दीदी ये क्या हो रहा है? हमको अपने आप पे भरोसा ही नहीं हो रहा, लगता है अपना टाइम आ गया। नहीं छोटी, ये जो भी हो रहा है ठीक नहीं हो रहा है, हमें लगता है टाइम और खराब आने वाला है। अरे इधर देखो ना। अरे सुबोध, दीदी ना बहुत अच्छा है,
हमारे लिए आलू का पराठा बना रहा है। हमें तो लगा थिथरा गई है, तुम तो एक ही रात में बदल दी उसको। हमारे पास जादुई पॉश है। पॉश? पॉश क्या? अरे मेरा बुद्धू डूबे, पॉश मतलब प्रेम पॉश। अच्छा तो हम बुद्धू हैं। कुछ आ जाएगा। हम डरते हैं क्या किसी से? दीदी आओ ना, तुम्हारा ही कमरा है। पराठे की खुशबू तो बहुत अच्छी आ रही है, लगता है इसमें तुम अपना प्रेम मिलाया है। दीदी हमारा एक मदद करो, हमारे पास ना अच्छा साड़ी नहीं है पहनने के लिए, अपना कोई साड़ी दो ना। ठीक है देते हैं तुमको कुछ पुराना साड़ी। पुरानी साड़ी का है? तुम्हारे पास इतनी नई साड़ियां पड़ी, उन्हीं में से दे दो कुछ। तुम एक काम करो, अपनी अलमारी की चाबी इसे दे दो। चाबी? हम इसको चाबी नहीं देंगे। क्या कह रहा है? आप ना इसके प्यार में पगला चुके हैं, आपको कुछ समझ नहीं आ रहा। हम इस घर की बहू हैं और आपकी धर्म पत्नी, हम किसी भी हाल में इसको चाबी नहीं देंगे। जबान लड़ाती है, कमर में चाबी लटका लेने से कुछ पत्नी नहीं बन जाता। पत्नी होने का कौन सा फर्ज अदा किया? तो एक बेटा तक तो दे नहीं भाई। बात कर दिया, लाओ चाबी, चाबी लाओ। निकलो। क्या कर रहे हैं आप, ऐसे क्यों कर रहे हैं? निकलो। ठीक आछे। जूली, अरे कहाँ रह गई? अरे लेट हो रहे हैं। ये सब क्या पहने हैं आप? ये सब पहन के तो आप कभी बाहर नहीं जाते थे ना? कितनी बार कहा है कि बाहर जा रहे हो तो टोका मत करो, लेकिन तुम्हारे दिमाग में ना भूसा भरा है। साड़ी तो तुम्हारे लिए ही बनाया गया है, एकदम जच रही है। वो क्या कहते हैं, बॉम्बशेल लग रही हो, बॉम्बशेल। दीदी हम लोग ना घूमने के लिए जा रहे हैं, आने में थोड़ा लेट हो जाएगा, आप चिंता मत करो। ठीक है चले। ऐसा क्या है इसमें? अम्मा वो बॉम्बशेल है, बॉम्बशेल, और आप हमारी सौतेली अम्मा। एक थप्पड़ देंगे अभी, जाओ यहाँ से। बॉम्बशेल की बच्ची, दीदी ये सब क्या है? अगर
तुमको हमारे जैसा बनना है तो तुम हमसे कहती ना, हम तुम्हें सिखा देते। लेकिन एक बात कहें, तुम्हारा ना उम्र हो गया, अच्छा नहीं लगता तुमको। अच्छा अगर तुम सच में चाहते हो ना हमारे जैसा बनना, हम सिखाएगा, सजना सिखाएगा तुमको। लेकिन तब जब तुम सुबोध को तलाक देकर इस घर से चला जाएगा ना, तब। ठीक है ना दीदी? क्या अम्मा, तुम सच में बॉम्बशेल बनना चाहती थी? अब पता चला हम पे क्या बीतती थी, जैसी करनी वैसी भरनी। छोटी चुप कर और जा अपने कमरे में जाके सो जा। अम्मा वो छोटी को माफ कर दो, उसमें भी बचपना है। उसमें बचपना है तो तुम्हारी अकल क्या कहां चलने चली गई है? मतलब ये है पिंकी कि जब तक हमको बर्दाश्त होगी हम रहेंगे, जिस दिन बर्दाश्त से बाहर चली गई तुम्हारे बाप को तलाक देके अपने मायके चले जाएंगे। पर तुम दोनों को जो अब तक दाल रोटी कपड़ा मकान सब मिल रहा था ना, जिस दिन ये बंगालों में जागीर पर अपना हक जमा लेगी, एक बेटा पैदा करके तुम्हारे बाप को दे देगी, उस दिन से तुम दोनों अपना दिन गिनना शुरू कर देना। क्योंकि तुम दोनों वैसे भी अपने बाप के सर पर बोझ हो। नहीं नहीं पापा हमारे साथ ऐसा नहीं करेंगे। हे भगवान, काश काश पिंकी तुम हमसे ज्यादा अपने बाप को जान देती, तुम्हारे लिए बहुत अच्छा होता। तो अम्मा हम क्या करें? गंगानंद का बच्चा की रहना होगा। ताकि वो इस घर से खुद ब खुद बाहर निकल जाए। नहीं अम्मा ये सही नहीं है। ये घर सही गलत की टिंटिनी बजाने का नहीं है पिंकी, कुछ करने का है। बुलबुल और दोनों बहनें पिंकी और छोटी अब तक सिर्फ नफरत के बंधन में बंधे हुए थे और इसी नफरत ने उन्हें अलग भी करके रखा था। लेकिन जूली के आ जाने के बाद इस घर के समीकरण ही बदल गए थे। माना कि सुबोध और जूली के संबंध नाजायज थे, लेकिन अचानक से आई इस आपदा को सुलझाने के लिए बुलबुल पुलिस की भी मदद ले सकती थी। लेकिन नफरत और असंतोष के भाव अब बुलबुल के साथ पिंकी की समझ पर भी हावी होने लगे थे। और अब ये इनसे किस जुर्म की शुरुआत कराता है, आइए देखते हैं। रुको,
लाओ। क्या मिला है उस चाय में? हम कुछ नहीं मिले। हे पिंकी, बोलो क्या मिला है? कुछ नहीं छोटू। हे छोटी, क्या मिला है चाय में? चाय में मुझे नहीं पता। इसे नहीं पता। अरे ये क्या कर रही हो? उसे उसे छोड़ो। अरे छोड़ो, बताओ जल्दी क्या मिला है चाय में? मैं बताती हूँ, छोड़ी ने कुछ नहीं कहा। छोटी छोटी ने कुछ नहीं किया। हम बताते, हम मिलाए थे चाय में बच्चा गिराने का दवाई। तुम्हारा दिमाग का पिशाच इतना सोच लिया कि तुमने दो लड़कियों को भी अपना पाला में कर लिया। तुम तो डर गई। तुम चिंता मत करो, हम सुबोध को कुछ नहीं बताया था क्योंकि आप हमको भी मजा आने लगा है। अब तो हम तुम्हारे सामने हैं, इस बच्चे को जन्म भी देंगे और तुमको उसकी आया भी बनाएंगे। समझी? हम बहुत बोर हो रहा है तो हम सब मिलके अब आपका डांस देखें। ये लग गया गाना, नाचो। अरे जोर से नाचो और जोर से, और जोर से। हाँ तबीयत खराब हो जाएगा।
जब तक आखिरी सांस नहीं आती ना नाचो थी। तुम्हारा जीवन का दोष हमारे हाथों में है। ए, पिंकी संभालो अपनी अम्मा को। अम्मा संभालो। हाँ बर्दाश्त नहीं होगा। हाँ मैं बर्दाश्त नहीं करते कभी। हम नहीं जानते आज जल्दी घर आना पड़ेगा। हाँ बाबा जल्दी घर आ जाएंगे। मुझे घूमने जाना है। घूमने जाना है ठीक है आ जाएंगे जल्दी आ जाएंगे। अच्छा हमारे सम्राट का ध्यान रखना। अभी से सम्राट और हम। अरे आप तो हमारी पटरानी हैं। चलिए मक्खन लगाना बंद करिए और जल्दी घर आइएगा। ठीक है सर बाय। हे दीदी थोड़ा गर्म पानी लेकर आओ हमारे लिए। पैरों का सिकाई करना है। क्या बोली हाँ गरम पानी चाहिए तुमको हुँ? अभी बोला ना गरम पानी चाहिए लेकर क्यों नहीं आए। कहाँ है गरम पानी। क्या है गरम पानी। पैरों में मेहंदी लगी है इधर लेकर आओ गरम पानी। सुनाई नहीं देता तुमको गर्म पानी लाने के लिए कहा था। गर्म पानी चाहिए ये। जूली
अरे बुलबुल, जूली जूली जूली। नफरत के बीज ने पूरे परिवार को तबाह कर दिया और दो मासूम नाबालिग लड़कियों की जिंदगियां खराब हो गई। सुबोध ने पुलिस को बयान दिया कि जूली की हत्या में उसकी पत्नी बुलबुल का हाथ है, जिसके आधार पर बुलबुल को जल्द ही गिरफ्तार कर लिया गया। और बुलबुल के बयान से पिंकी के गुनाह का भी पर्दाफाश हुआ। जो जुर्म बुलबुल और पिंकी ने किए उसकी सजा तो उन्हें मिल ही रही है, लेकिन सवाल यह उठता है कि क्या इस जुर्म को होने से रोका जा सकता था? बेटे की चाह ने सुबोध को इस कदर अंधा कर दिया कि उसके लिए बाकी रिश्ते महज एक खेल बन के रह गए, और जिसका नतीजा उसका पूरा परिवार तहस नहस हो गया। बुलबुल की जबरदस्ती अपने रिश्ते को बचाने की चाहत और पिंकी की अपने और अपनी छोटी बहन के भविष्य को लेकर उठ रही शंकाएं, यही दो चीज थी जिसने इन सबको जुर्म के दलदल में धकेल दिया, और आज वो जेल की सलाखों के पीछे है। इसी के साथ मैं गिरीश जैन क्राइम अलर्ट के इस एपिसोड में आपसे विदा लेता हूं। फिर मिलूंगा ऐसे ही किसी अपराध से आपको अलर्ट कराने। तब तक बी अलर्ट, बी सेफ। क्राइम अलर्ट, जुर्म के खिलाफ आवाज। सब्सक्राइब करें दंगल टीवी यूट्यूब चैनल को और बेल आइकन को दबाएं हमारे लेटेस्ट वीडियो को सबसे पहले देखने के लिए।